हेलो फ्रेंड्स, पीपल जॉइनिंग। आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो फ्रेंड्स, गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम ऑडिबल। अभी कुछ जॉइनिंग? उसमें आवाज आ रही है कि नहीं? जस्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जोर से बोलना। हेलो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रेनू जैन फ्रॉम बेकरी प्लैनेट बड़ोदरा एंड आई थैंक अमूल फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म हियर फॉर शेयरिंग माय रेसिपी विद यू। एंड आज हम आई एम अ होम बेकर एंड आई मेक कस्टमाइज्ड एग फ्री केक्स, कपकेक्स एंड डेजर्ट्स। सो आज मैं एक श्रीखंड जो डेजर्ट है गुजरात का, वो लेके आ रही हूँ, प्रेजेंट कर रही हूँ आप सबके सामने। जो नॉर्मली लोग श्रीखंड खाते हैं पूरीज के साथ गुजरात में, हम उसे एक नया ट्विस्ट दे रहे हैं और हम उसे प्रेजेंट करेंगे एक फ्यूजन में। एंड वी आर डूइंग इट एज अ फ्यूजन श्रीखंड टार्ट। सो आर पीपल जॉइनिंग? गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन स्टार्ट माय सेशन। आई विल शो यू द इंग्रेडिएंट्स फॉर द टार्ट। This is maida, butter, powdered sugar, little of vanilla essence and baking powder. सबसे पहले हम बटर लेंगे जो हम क्यूब्स में लिया है, और ठंडा बटर लेना है। That's 100 grams of butter, छोटे छोटे पीसेस में कट है। साथ ही में हम 50 grams of powdered sugar लेंगे। और few drops of vanilla essence। इसे हमें अच्छे से whisk करना है। नॉर्मल अगर आप बीटर भी है आपके पास घर पे, तो भी आप घर पे कर सकते हो बीटर से, नहीं तो नॉर्मल हमें अच्छे से शुगर और बटर को कंबाइन करके क्रीमी करना है। किसी के पास बीटर नहीं होता है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली एक स्पून से ही दिखा रही हूँ। किसी के आप लोग के पास बीटर्स हैं घर पे जिससे आप क्रीम व्हिप करते हैं, वो भी ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल व्हिप से भी कर सकते हैं। इसमें 100 ग्राम्स ऑफ बटर एंड 50 ग्राम्स ऑफ पाउडर्ड शुगर लिए हमने। श्रीखंड ज़्यादातर यहाँ लोग पसंद करते हैं, पूरीज़ के साथ खाते हैं या डेजर्ट्स में सर्व किया जाता है, और हम उसे एक अलग ही रूप दे रहे हैं आज, और हम टार्ट्स के साथ प्रेजेंट करेंगे उसे। एज यू कैन सी इट्स लिटिल क्रीमी नाउ। इसमें अभी हम 150 ग्राम्स ऑफ मैदा लेंगे। मैदा छान के लेना है और एक स्मॉल पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, वेरी लिटिल, 1 पिंच। इसे लाइटली फोल्ड इन करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे मिक्स नहीं करना है, पहले हम स्पून से मिक्स कर लेंगे फिर अपने हाथ से। हम ज़्यादातर अपना हैंड्स इसमें लास्ट में यूज़ करेंगे बाइंडिंग के लिए, नहीं तो हमारे हाथ की हीट उसे पूरा मेल्ट कर देगी, जो हमें क्रम्स चाहिए सैंड जैसे टेक्सचर वो जला जाएगा।
तो इसलिए हम लोग स्पून से मिक्स कर रहे हैं। अपने हाथ से हम नहीं मिक्स कर सकते बिकॉज वो काफ़ी लोगों का हैंड का हीट होता है, तो उस वजह से वो काफ़ी शुगर और बटर क्रीमी होकर अपना पानी छोड़ देते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो कि अभी अच्छे से मिक्स हो गया है बटर मैदे के साथ, और अभी इसमें रिक्वायर्ड रहेगा जितना एक आध स्पून जैसे हम चिल्ड वाटर लेंगे बाइंडिंग के लिए। बहुत हल्के में सॉल्टेड चाहिए? हाँ, आप सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं और अनसॉल्टेड। मैंने यहाँ पे सॉल्टेड यूज़ किया है बिकॉज एक अच्छा सा जो भी हम स्वीट बनाते हैं उसमें एक ब्रेक चाहिए, तो हल्का सा सॉल्ट होना ज़रूरी है उसमें। इसमें मैंने अमूल बटर, अमूल का आप अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो जस्ट ऐड वन पिंच ऑफ सॉल्ट टू इट। बहुत लाइट हैंड से हमने उसको मिक्स करना है। सिर्फ हम एक स्पून जैसे ठंडा पानी डालेंगे इसमें। इसे भी हल्के हाथ से हमें बाइंड कर देना है। आप देख सकते हैं जैसे हमने सिर्फ हल्के हाथ से सिर्फ बाइंड किया, हमें इसे कुछ नीड नहीं करना है, कोई भी प्रेशर नहीं देना है उसे। ये आपका डो रेडी है सॉफ्ट। अभी हम इसे क्लिंग रैप में पैक करके फ्रिज में रख देंगे। क्लिंग फिल्म में हमें लेना है इसे और अच्छे से टाइट फोल्ड करके इसे फ्रिज में रख देना है कम से कम एक घंटे के लिए। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं एंड काफ़ी टाइम तक के आप बना के भी आप इस डो को रेडी रख सकते हैं अपने फ्रिजर में। मेरे पास ये रेडी डो है जो मैंने फ्रिज के बना के रखा था ठंडा। अब इसे हम अपने टार्ट शेल्स में लेंगे। अलग अलग साइज़ के हमें मोल्ड्स रहते हैं। ये दीज आर कपकेक मोल्ड्स एंड दीज आर टार्ट मोल्ड्स जो लूज़ बॉटम वाले होते हैं एंड ये बड़े। आप कोई भी ले सकते हैं, मार्केट में इवन सिलिकॉन वाले भी अवेलेबल हैं, वो भी ले सकते हैं। ये नॉर्मल सर्विंग के लिए रहते हैं, बाइट साइज सर्विंग के लिए, और ये रहते हैं लाइक आप अच्छे से डेजर्ट जब सर्व करना तब इसमें भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों में कैसे रखते हैं वो लाइन करना मैं दिखा देती हूँ। इसे मुझे हल्के से ग्रीस करना है बटर से, वेरी लेस बटर। डू लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ से। इसे अच्छे से हमें बटर से ग्रीस कर लेना है ऊपर तक। और हमारा ये जो डो है हमने अभी जस्ट फ्रिज से निकाला है, थोड़ा फर्म है बिकॉज ऑफ द बटर। इसे हम हाथ से ही फ्लैटन कर देंगे। इवन यू कैन रोल इट बट कई बार थोड़ा सा क्रैक्स आते हैं, सो वो हम लाइनिंग जब करेंगे इसमें टिन में तो वो हम सील कर देंगे उसे।
आप इसे रोल करके भी अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं. आई प्रिफर डूइंग दिस ऑल्सो. कई बार अगर थोड़ा बटर की वजह से क्रैक्स आ रहे हैं तो वो इसमें हम सही कर सकते हैं अपने फिंगर्स से. विथ वेरी लाइट हैंड्स यू हैव टू जस्ट सील इट. आपको कहीं कम लग रहा है या एक्स्ट्रा कैन डू दैट. ये जो एक्स्ट्रा है हम उसे ऐसे ट्रिम कर लेंगे कि आपके एजेस क्लियर होने चाहिए. हमने इसलिए ये कॉम्बिनेशन चूज किया है विद टार्ट्स एंड श्रीखंड बिकॉज एक अलग सा ट्विस्ट देना है हमें एंड वी नीड सम क्रंच विद द श्रीखंड. So this was the best option I could think of. जैसे आपने देखा है अभी हमने अच्छे से ट्रिम कर लिया है जो भी एजेस हैं हमें सील करके अच्छे ट्रिम कर देने हैं एंड इससे हम प्रिक करेंगे नाइफ या टूथपिक या फॉक से सो दैट अगर वो राइज होता है तो देर इज़ नो एयर इन साइड में वो फूलेगा नहीं. इससे यू जस्ट हैव टू प्रिक इट. सिमिलरली हमें छोटे वाले को भी लाइन कर देंगे. ये आराम से डीमोल्ड हो जाएगा दो इट्स नॉट अ लूज बॉटम कपकेक मोल्ड. आराम से आप अपने अच्छे से ग्रीस किया है एंड इट्स वेरी बटरी ऑल्सो सो आराम से इसमें से वो निकल सकता है आफ्टर बेकिंग. एनी क्वेश्चंस? Am I clear and audible? आपके मन में कोई भी questions हैं queries हैं tarts से related you can ask me. इसी तरह हमें अच्छे से seal कर देना है. इसमें measurements थोड़े important होते हैं. baking आप जब भी करें measurements से करें तो आपकी चीज़ perfect बनेगी. हम रैंडम चीज़ें या उससे बेकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कम ज़्यादा चीज़ें होती है सो बहुत ध्यान से हमें लेना है. इससे मैंने मेजरमेंट्स जो भी आपको बताए हैं वो आप फॉलो करेंगे अगर टार्ट्स के लिए तो आपके परफेक्ट टार्ट शेल्स निकलेंगे. यू कैन यूज़ इट इन एनी डेजर्ट्स. आई एम डूइंग इट विद श्रीखंड टुडे. आप इसे कोई भी डेजर्ट्स के साथ रख सकते हैं. यू कैन इवन मेक एप्पल पाई विद दिस बेस. सी इट्स डन. हमने इसमें भी एजेस क्लियर कर दिए हैं अच्छे से और इसे प्रिक कर देंगे. I'll just keep this for baking now in a preheated oven at 180 degrees for 15 minutes. As the tarts are baking now, so मैंने थोड़े ready कर लिए थे सुबह ही तो हम वो दिखा रहे हैं. These are the tarts after baking. हम इसे use करेंगे अभी अपने garnishing और श्रीखंड के साथ. हम वैसे काफ़ी सब लोग इनफैक्ट घर पे श्रीखंड तो बनाते ही हैं. आज हम अमूल मस्ती दही से श्रीखंड बना रहे हैं यहाँ पे एंड वी आर इवन यूजिंग द रेडी अमूल श्रीखंड केसर फ्लेवर. इसमें मैंने हंकर्ड लिया है जो अमूल मस्ती दही है उसे हमने सुबह ही कपड़े में मसलिन क्लॉथ में बांध दिया था. कम से कम दो घंटे तक रख दीजिए उन्हें सो दैट द वाटर इज ड्रेन्ड आउट एंड फिर बाद में उसे फ्रिज में रखिएगा. अदरवाइज वो बाहर काफ़ी देर रहता है सीजन में तो वो खट्टा भी हो सकता है. अमूल मस्ती हंकर्ड लिए हमने
उसमें हम पाउडर शुगर लेंगे ऑलमोस्ट 3 स्पून, डिपेंड्स ऑन योर स्वीटनेस ऑल्सो, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्वीट चाहिए तो आप ले सकते हैं, विथ लिटिल ऑफ इलायची पाउडर, और इसे अच्छे से विप कर लेंगे। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, तो मैंने आज दोनों बनाया है, इवन इलायची फ्लेवर एंड द केसर वन। I'll add little more of sugar. आपको सारे मेजरमेंट्स आफ्टर द सेशन अवेलेबल रहेगा ऑन दिस पेज, टार्ट्स के मेजरमेंट्स भी एंड इवन श्रीखंड का मेजरमेंट जो हम ले रहे हैं वो भी। इसे हमें अच्छे से व्हिप कर लेना है। पाउडर शुगर इसलिए ली जाती है कि वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए पर हंकर्ड के साथ में, नहीं तो अगर हम ग्रैनुलेटेड शुगर लेते हैं तो वो मिक्स नहीं होगी एंड फिर काफ़ी देर तक अगर रहा तो वो पानी छोड़ेगा, सो दैट्स नॉट कन्फर्म, सो यू कैन जस्ट एड पाउडर शुगर विद दिस। आई हैव मेड लिटिल केसर मिल्क, जस्ट थोड़े केसर को हमें गर्म दूध में डाल के रखा है, हम थोड़ा सा वो ऐड करेंगे। अच्छा, केसर इलायची का श्रीखंड बना रही हूँ मैं। शुड बी वेरी स्मूथ। कई बार होता है कि अगर आपकी हंकर काफ़ी ड्राई लग रही है आपको तो आप उसमें एक आध दो स्पून दूध ले सकते हैं, नहीं तो हमने जो केसर वाला मिल्क लिया है वो ही आप एक्स्ट्रा एक स्पून डाल सकते हैं। See, your श्रीखंड is ready. I'll just add some nuts, some roasted almonds. ये पिस्ता है जो मैंने सिर्फ थोड़ा गर्म पानी से निकाल लिया उसे कि उसकी स्किन पील ऑफ कर दें एंड उसके बाद यू कैन यूज दिस पिस्ताज। आई हैव गिवन दिस अ ट्विस्ट विद टार्ट, तो सबको लग रहा होगा कि वॉट आई एम डूइंग न्यू विद दिस श्रीखंड, तो इट्स गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन अ टार्ट फॉर्म, जो टार्ट्स काफ़ी सबके नहीं बनते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है या गीले हो जाते हैं, सॉगी रहते हैं, सो दैट इज़ द मेन फोकस ऑन दिस रेसिपी। इसे हम थोड़ी देर ठंडा रखेंगे फ्रिज में। एंड विल जस्ट स्टार्ट विद द गार्निशिंग ऑफ द टार्ट्स नाउ। एनी क्वेश्चंस? अगर आप कोई भी क्वेश्चंस हैं टार्ट से रिलेटेड या ओवरऑल डेजर्ट्स के लिए, यू कैन जस्ट आस्क मी। दीज आर द टार्ट शेल्स जो हमने बनाए हैं। आप स्मॉल साइजेस भी बना सकते हैं जैसे हमने आपको अभी दिखाया है, वो बेक हो रहे हैं, 15-20 मिनट्स में बेक हो जाएंगे, तो आपको हम बेक प्रोडक्ट भी अभी दिखा देंगे। दीज आर द स्मॉल मोल्स, बाइट साइज के लिए आप ये कर सकते हैं। I have taken अमूल श्रीखंड केसर फ्लेवर, आपको जो फ्लेवर पसंद है आप ले सकते हैं उसमें। I have taken it in a piping bag with a rosette nozzle. अब इसे हम गार्निश करेंगे। प्रेजेंट कैसे करना है हम वो दिखा रहे हैं अभी आप। इसे हमें कुछ नहीं लगाना है ना कुछ ग्रीस करना है अभी, इट्स रियली रेडी टू जस्ट बी सर्व नाउ। दिस इज अमूल श्रीखंड,
अगर आपके पास रोजेट नॉजल नहीं है, पाइपिंग बैग्स, तो कोई टेंशन नहीं, आप अपने हिसाब से इसको सर्विंग दे सकते हैं. प्रेजेंटेशन डिपेंड्स टोटली ऑन यू. बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं भरना है, बिकॉज वो बहुत सिर्फ श्रीखंड का ही टेस्ट आएगा, इसलिए हम जितना बैलेंस चाहिए उतना ही श्रीखंड फिल कर रहे हैं इसमें. थर्ड शेल हम लोग फिल करेंगे केसर जो अभी हमने बनाया है उसके साथ में, बट विदाउट पाइपिंग बैग. इसके साथ में हम लोग थोड़ा पिस्ता यूज़ करेंगे. अभी जो हमने श्रीखंड जेस अमूल मस्ती दही से बनाया है उसे हम पाइपिंग बैग में नहीं भरेंगे, बिकॉज उसमें काफ़ी ड्राई फ्रूट्स भी हमने नट्स ऐड किए हैं जो काफ़ी हेल्दी होते हैं और बच्चों को भी पसंद आएगा वो. ऐसे नहीं तो श्रीखंड में तो ड्राई फ्रूट्स खा ही लेंगे. आई विल जस्ट फिल दिस विद जस्ट द श्रीखंड जो मैंने अभी बनाया है. इसे थोड़ा और ठंडा होने देना है हमें. नॉर्मल हम स्पून से जैसे घर में रखते हैं उसी तरह फिल करेंगे. आप स्मॉल बाइटिंग साइज में भी बना सकते हैं आराम से. सबसे बेस्ट आजकल मीठा वैसे ही कम खाते हैं लोग, सो यू कैन जस्ट मेक स्मॉल बाइटिंग साइज ऑल्सो. विल गार्निश दिस विद सम पिस्ताज मोर. Some rose petals. It gives a break to the color. सबसे पहले बोला ही जाता है कि चीज़ जो भी होती है पहले आँखों से खाई जाती है. So it should look good and even taste in fact. सबसे पहले look आता है. That's the main serving. I'll just do the plating. This is our fusion श्रीखंड tarts are ready. इसे आप अच्छे से ठंडा करके फिर सर्व करें. आपका श्रीखंड अगर एकदम ठंडा है so tarts are at room temperature, it will really be good. But ये dessert ठंडा अच्छा लगता है बहुत. Do let me know if you have any queries, any questions. आप अपने हिसाब से इसमें fillings ले सकते हैं. As this is Gujarat special, so हमने श्रीखंड use किया है जो Gujarat की speciality है. And if it's in Rajasthan, आप रबड़ी एंड गुलाब जामुन का combinations भी ले सकते हैं. It really tastes very good. Do follow my page on Instagram and Facebook. I have posted the link on the page of Amul. Any questions? आपको tart में कोई भी problem आएगी या confusion है, so you should just follow the baking recipe. That's more important. I'll just check if the tarts are baked. I'll show you the baked one now.
स्टिल बेकिंग, थोड़ा सा 5 मिनट्स इट विल टेक फॉर द बेकिंग. सो दिस इज द फ्यूजन श्रीखंड टार्ट्स आर रेडी. टेम्परेचर फॉर बेकिंग इज 170 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड. इट्स अ ओटीजी का टेम्परेचर, अदरवाइज इफ यू कीपिंग इन कन्वेक्शन मोड सो यू कैन कीप इट एट 160 डिग्रीज फॉर 10 मिनट्स unless it's baked well. So friends, really thanks a lot for joining me in, and thanks a lot to Neeta ji and Amol for giving me this platform. Thanks to Omkar Dogger, and he's helped me a lot for this. Thank you Amol, and thank you everybody for joining in.